अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों आज के दौर में इंटरनेट हमारी बहुत ही बड़ी कमज़ोरी है। इंटरनेट के बिना हम कोई भी अपना काम जो है सोशल मीडिया के रिलेटेड वो नहीं कर सकते। बच्चा बड़ा छोटा हर एक बंदा जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ऐसे में अगर इंटरनेट हमें मिले ऊपर से सैटेलाइट्स के थ्रू तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी, और इसके साथ साथ स्पीड भी अगर हमें मिले 1000 MB के रिलेटेड तो आप इस सर्विस को लेना चाहेंगे या नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूं अदनान खान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्तादी यूट्यूब चैनल को। आज हम बात करने वाले हैं स्टारलिंक के बारे में। स्टारलिंक जो कि एक इलॉन मस्क की कंपनी है और वो इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। और इलॉन मस्क का ये ड्रीम था कि मैं पूरी दुनिया को सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट में प्रोवाइड करूँ। अगर आप रेगिस्तान में हैं, समुंदर में हैं या किसी भी आप दुनिया के हिस्से में हैं तो आपको इंटरनेट की सर्विसेज जो है वो मिलेगी। इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, 3 या 4 मिनट की वीडियो होगी तो इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा। PTA का इसके बारे में क्या ख्याल है, या स्पार्को पाकिस्तान की इंटरनेट की कंपनी है, या गेटवेज के थ्रू जो इंटरनेट हमें इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसके बारे में क्या रद्दअमल है, तो ये सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर देखा जाए तो स्टारलिंक और हमारे पास जो अभी इंटरनेट चल रहा है उसमें क्या डिफरेंसेस है, मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो इंटरनेट अभी चल रहा है वो गेटवेज के थ्रू होता है। वो यूँ होता है कि हमारा इंटरनेट आ रहा है चाइना से, चाइना को इंटरनेट आ रहा है इंग्लैंड से, इंग्लैंड को इंटरनेट आ रहा है किसी और मुल्क से। तो ऐसे गेटवेज के साथ जो है वो सिस्टम चलता रहता है आगे, कि हमारे ऊपर कोई प्रॉपर तरीके से कोई बंदा ऑन नहीं होता, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को मुकम्मल ख़त्म कर दिया जाए, मुकम्मल एक्सेस दे दी जाए किसी एक प्राइवेट कंपनी को, तो ये नुकसानात की तरफ भी इशारा है और इसके बेनिफिट्स भी हैं। इसी के रिलेटेड मीटिंग्स चल रही हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी को प्रॉपर एक्सेस दे दी जाए तो ये मुश्किलात का सामना हो सकता है। और जो स्टारलिंक है उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो स्टारलिंक का प्रॉपर जो काम है वो होगा कि वो ऊपर पूरी दुनिया के इर्द गिर्द जो है उसकी सैटेलाइट्स होंगी। 12,000 सैटेलाइट्स के करीब उन्होंने सैटेलाइट्स भेजनी है आसमान में, तो कुछ भेज चुके हैं। तो वो जब सैटेलाइट्स अपना काम करेंगी तो वो किसी के साथ भी गेटवेज के साथ कनेक्टेड नहीं होगी। उनका जो भी काम होगा वो एक सिस्टम जो है, एक कंपनी जो है वो ही पीछे से मैनेज कर रही होगी। इंटरनेट आने की और जाने की भी गारंटी उनकी होगी कि कोई भी उसके ऊपर थर्ड पार्टी जो है वो नहीं इन्वॉल्व होगी। पूरे ही दुनिया को वो पीछे से कंट्रोल करेगी और फिर ही वो इंटरनेट जो है प्रोवाइड करेगी। और दोस्तों आज जो है वो एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट हुई है कि जो स्टारलिंक की वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हम जाके चेक करें कि हमें मंथली चार्जेस कितने मिल सकते हैं अगर हम स्टारलिंक की सर्विसेज को इस्तेमाल करेंगे, तो $200 पर मंथ की हमें ग्लोबल रोमिंग सर्विसेज मिलेगी, जिसको हम यूज़ करके अपनी स्टारलिंक के साथ अपने इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर ये सर्विसेज ऑन हो जाती है पूरी दुनिया में तो क्वेश्चन मार्क ये हमारे पास आता है कि PTA इस चीज़ की अप्रूवल देगा क्या, ये बंद रहेगी? अगर अप्रूवल देता है तो वो किस सिस्टम्स के थ्रू अप्रूवल देगा, कौन सी ऑथराइजेशंस देगा और कौन सी ऑथराइजेशंस के ऊपर वो उनको ब्लॉक रखेगा, तो ये सारा भी चल रहा है प्रोसीजर। अगर देखा जाए तो PTA इस चीज़ को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता। दोस्तों बेसिकली देखा जाए तो इंटरनेट के हालात जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं। डिफरेंट पैकेजेस मिलते हैं हमें, सिम्स पैकेजेस होते हैं, वाईफाई पैकेजेस होते हैं, PTCL के पैकेजेस होते हैं, तो हमारी जो है वो रेंज से बाहर चले जाते हैं। तो अगर हमें $200 के ऊपर पूरे मंथ की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें मिलती है एक फैसिलिटी, तो हमें इसको यूज़ करना चाहिए। अब देखते हैं कि PTA जो है वो इसके ऊपर क्या उसका रद्द अमल है और वो क्या इसको अप्रूवल देगी नहीं देगी। ये PTA के साथ बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ होंगी जिसको इस चीज़ का मसलन सैल पेश होगा, तो वो देखते हैं कि वो कंट्रीज़ क्या करती हैं। और देखा जाए तो ये बसों के लिए भी एक बहुत ही मुफीद जो है वो सर्विसेज हैं। इसकी डिवाइस जो है स्टारलिंक की, वो डिवाइस बस के ऊपर जो है वो कनेक्टेड हो जाएगी और जैसे जैसे बस चलती जाएगी तो वो सर्विसेज जो है वो भी चलती जाएगी साथ साथ। तो बहुत ही अच्छी ये सर्विसेज हैं मेरे मानने के मुताबिक। तो बाकी देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, PTA क्या करती है, हमें ये सर्विसेज मिलती हैं या नहीं मिलती, या हमें डायरेक्ट मिलेगी या कोई उसका इलॉन मस्क का मोबाइल हमें बाय करना पड़ेगा देन हमें सर्विसेज मिलेगी। तो देखते हैं अभी क्या है, प्रोसीजर अभी चल रहा है। फरवरी में इनकी मेल आई है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू इन तक पहुँच। तो गाइज फाइनली हम देखेंगे कि PTA गवर्नमेंट स्पार्क को इसके बारे में क्या कहते हैं, हमें अप्रूवल मिलती है इंटरनेट की स्टारलिंक की डिवाइसेस की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ के लिए।